बढ़ती महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज धर्मपुरी ब्लॉक कमेटी द्वारा स्थानीय बाईपास चौराहे पर गैस सिलेंडर व साइकिल को माला पहनाकर सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का ध्यान गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल के दामों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से थारी बजाकर महंगाई और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शब्बीर पहलवान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह तो सिर्फ बात करते हैं और उद्घाटन करते हैं। 2020 के स्थगित बिल माफ करने की घोषणा कर दी, लेकिन आज गरीबों की बिजली काट कर सख्ती से वसूली की जा रही है। साथ ही बताया गया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 2 से 4 अप्रैल के बीच महंगाई से मुक्त भारत धरना कर विरोध किया जाएगा। ये हमारी मतलब जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया था और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो महंगाई बढ़ी है, गरीबों को पेट पे लात मारी है, उसमें गैस की टंकी, पेट्रोल, डीजल और कई 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 चीज़ों पे भाव बढ़ा दिए हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ये सारे जो बड़ी है ये वापस दे दी जाए, नहीं तो इसके खिलाफ हमारे मध्य प्रदेश में बहुत आंदोलन बड़ा किया जाएगा कांग्रेस करेगी और हमको जो निर्देश मिलता रहेगा हम काम करते रहेंगे। अरे भैया, अब शिवराज सिंह तो क्या है कि नलियर साथ में रखता है, वो तो दुर्घटन करता है और बातें करता है। उनने कहा था बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे, वो लाइन काट रहे हैं, सुपरवाइजर तो लाइन काट रहा है। मैंने कहा कि भैया माफ़ हो गए बिल, कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हमारे आदेश नहीं आया। ये झूठी घोषणा करते हैं और इन्होंने बिजली का बिल भी माफ़ करना चाहिए। बड़े कितने लोगों के 30-40 हज़ार के बिल है, उन्हें वापस देना चाहिए और इन्हें सुपरवाइजर को या अधिकारियों को निर्देश करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने ये मतलब उसके जो घोषणा करता है ये झूठी घोषणा है। मैं इसको मांग करता हूँ कि वापस देना चाहिए बिजली के बिल भी और गैस की टंकी और पेट्रोल डीजल के वापस देना चाहिए। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।